स्पेस बहुत बड़ा है। ओ, मेकअप देख लेती हूँ। टीचर यही है, वो तुम्हारा मेकअप छीन लेगा। जैसे कि उन ग्लासेस में से उन्हें बहुत नजर आ रहा है ना? ये क्या? ये मेकअप है? मैं ग्लासेस साफ करता हूँ। ओह, ये मेकअप ही है। ये नहीं चलेगा। मेरी क्लास में मेकअप लेकर आते हो? तुम लड़की क्लास में मेकअप नहीं लेकर आ सकते। मैं ये ले रहा हूँ और तुम निकलो यहाँ से। नहीं, कैसे हो सकता है? ठीक है, मैंने उसे वार्न भी किया था। ओह, ये कैसे हो सकता है? टीचर ऑफ द सेंचुरी? हाँ बिल्कुल, वो एक सेंचुरी जितना बूढ़ा है। अब इन्हें एक सबक सिखाते हैं। ये कैसा लगा? ओह, लगता है मुझे एक बढ़िया आइडिया आया। पहले हम इस मार्कर को पीछे से खोलेंगे, ट्वीजर्स से इनको बाहर निकालेंगे और अब वापस लगा देते हैं। अब हम मार्कर टिप भी निकालेंगे और इसे निकाल लें। अब हमें एक बोल में लिप ग्लॉस चाहिए, बोल में डाल लेते हैं। अब एक सिरिंज की मदद से इसमें ले लेते हैं, इतना काफी होगा। अब हम इसे मार्कर में डाल देंगे। हाँ, हो गया। एप्लीकेटर, इसे निकाल लेते हैं। शुक्र है हमारे पास ये नेल ग्लू की बोतल है, इस हिस्से को पेंट कर लेते हैं। हाँ, अब ग्लू तैयार है। अब हम इसे मार्कर कैप पर लगा देंगे। लो, ये सूख गए। अब हम इसे ट्यूब में डाल देंगे। मैं लिप ग्लॉस लगा लेती हूँ। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। तुम क्या कर रहे हो? तुम फिर से फंस जाओगी। हाँ, यहाँ क्या चल रहा है? ओ, ये तो बस मार्कर है सर, ये तो क्लास में चलेगा ना? हाँ हाँ। ये रहा मेरा बैग, देखने दो। हाँ ठीक है, जाओ अंदर। यही रुक जाओ, जरा देखने दो। ओह, ये क्या है? कोड रेड, यहाँ एक परेशानी है, इसे यहाँ से ले जाओ। वो अपने मुंह पर मेकअप लगाकर यहाँ घुसने की कोशिश कर रहा है। हाय, अब मेकअप की बारी है। टचअप के लिए लिपस्टिक चाहिए। मैंने यही लगाकर उसे किस किया था। बेहतर है। हे, कैसी लगी? अच्छी है, कहाँ से लाई? टडा, लिपस्टिक शूज। लो, ट्राई करो। बस थोड़ी बुक्स रखनी है। ओह, मेकअप देख लेती हूँ। आह, मेरे चेहरे को क्या हो गया? ये कैसे हो सकता है? मेकअप इसे ठीक कर देगा। अरे नहीं, बेल बज गई, क्लास शुरू हो रही है। मुझे फाउंडेशन साथ ले जाना होगा। ओह नहीं, अब मैं क्या करूं? छिपा लूंगी। क्या मैं उन्हें दिख रही हूँ? ओह नहीं, कुछ नहीं होगा, बस डेस्क तक पहुंचना है। रास्ता साफ है? हाँ, मैंने कर दिखाया। अब मुझे अपना चेहरा ठीक करना है। अहम, तुम क्या कर रहे हो? लाओ इधर दो। पर मुझे अपना चेहरा ठीक करना है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, लाओ दो। लो, मेरी जिंदगी खत्म हो गई। हे, रो मत, मैं मदद करती हूँ। ग्लोस्टिक, ये क्या करेगी? इसे खोलो, भरोसा रखो। क्या,
ये तो कंसीलर है। ये कैसे हो सकता है? मैंने बनाया, आसान था। मैंने ग्लू स्टिक ली ऑब्वियसली और इसमें से ग्लू निकाल दी। फिर एक कंसीलर की ट्यूब ली, चाकू से मैंने इसे काट दिया। प्लास्टिक का चाकू बिल्कुल ठीक रहेगा। फिर मैंने इसे ग्लू ट्यूब में डाल दिया। इसे बिल्कुल अंदर तक दबाकर ये बन गया। तुम तो जीनियस हो। अब मैं इन्हें कवर कर सकती हूँ। गर्ल्स, अब यहाँ क्या चल रहा है? हाँ हाँ, काम करते रहो। आज का सब्जेक्ट है पॉपिट यूनिकॉर्न। चौके में कहेगा वो लूजर है। मैं जीत गया। हाँ, मैं जीत गई। नाना, तैयार हो? प्लीज, मैं हमेशा से तैयार हूँ। ये कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मुझे जीतना ही होगा। जल्दी चलो भी। मैं ये आराम से जीत जाऊंगा। तुम हारने की तैयारी करो। हाँ हाँ, बिल्कुल, लगभग हो ही गया। असली आर्ट छोड़ो, मुझे करना होगा। मेरी पेंसिल, मैं ये और इस्तेमाल नहीं कर सकती। ये हो ही गया, मुझे ये नहीं चाहिए। वो कर क्या रही है? लास्ट सेक्शन। चलो भी, मुझे कर कर जीतना होगा। मुझे और पेंसिल्स चाहिए। वो क्या कर रहा है? आराम से करेंगे तो जीत ही जाएंगे। मैं उसे जीतने नहीं दे सकती, पर मेरे पास पेंसिल्स नहीं है। रुको, उसके पास पेंसिल्स नहीं बची। मुझे बाद में पछतावा होगा। जरा मुझे दिखाओ, शायद मैं कुछ कर पाऊँ। हेलो, मेरे पास एक आइडिया है। ये स्प्रॉ काम आएगा। एक ड्रिंकिंग स्प्रॉ लें और उसके अंदर पेंसिल निब लगाएं। दूसरे एंड के साथ भी यही करें। अब ये पेंसिल लिख भी सकती है और ड्रॉ भी कर सकती है। मैं इतनी आसानी से नहीं जीतना चाहता। हे, ये तुम्हारे लिए पेंसिल्स। मतलब मैं अपनी ड्राइंग खत्म कर सकती हूँ। शुक्रिया। कोई बात नहीं, रुको, शुरू करो। 3, 2, 1, चलो। आज की आर्ट क्लास बहुत बोरिंग है। हम एप्पल्स बना रहे हैं। चलो यहाँ से देखिए। जी, पेंसिल से क्या कर रहा है ये? किस तरह की स्केचिंग सॉर्सरी है? वो शायद वो साइज मेजर कर रहा है। ये तो मैं भी कर सकती हूँ। हे, इसने काम किया। थोड़ी शेडिंग और कुछ लाइंस, बन गया। ओह, ये सुंदर तो नहीं है। जेक ने क्या किया? ये तो बिल्कुल मॉडर्न डे सीजन की तरह है। और मेरा तो ऐसा लग रहा है जैसे छोटे से बच्चे ने बनाया हो। मैं ये नहीं ले सकती। मेरी ड्राइंग कभी भी अच्छी नहीं होगी। मैं इन रबर बैंड्स को तो भूल ही गई थी। मैं बहुत समझदार हूँ। एक पेंसिल ले और एक और पेंसिल से उसका परपेंडिकुलर बनाए। अब एक बड़ा रबर बैंड ले और इन दोनों पेंसिल्स पर लगा दे। कई बार घुमाए और बिल्कुल टाइट कर दे। दूसरी साइड से भी करें। अब देखो, चलो इसे दोबारा ट्राई करें। क्या मैं देख सकती हूँ? शुक्रिया। अगर आप एक पेंसिल से ट्रेसिंग करना शुरू करेंगे तो नीचे बिल्कुल वैसा ही बनता जाएगा। कूल है ना? वो मुंह में मक्खी चली जाएगी। जे, चलो अपनी मास्टरपीसेस दे दो। मेरा बहुत अच्छा है तेज। तुम चीटर हो। कभी भी कहीं भी भूख लग सकती है, यहाँ तक कि क्लास के बीच में भी। मेरे पास कुछ है, ये मेरी फेवरेट है। मुझे पता है ये किसकी स्मेल है। हे, मुझे भी दो। चलो भी, बस एक। ठीक है, मुझे पता है क्या करना है। टीचर, यहाँ एक स्नकर बैठा है। ओह, अच्छा, तुम्हें साइन नहीं दिख रहा के?
अब इन्हें हटाओ यहाँ से। तुम चुगलीखोर हो जेक। मैंने यही रख देती हूँ, तुम्हें बाद में मिलती हूँ दोस्तों। और मेरे पास एक बेहतर आइडिया है, प्रिंगल्स का कैन ले, इसे अपने मनपसंद पेपर से कवर करें। अब उसके ऊपर हॉट ग्लू की एक लाइन लगाएं, ग्लू पर फ्री स्टैंडिंग जिपर लगाएं। ये पेंसिल केस की तरह बकवास लग रहा है ना? मेरा पेंसिल केस बहुत अच्छा नहीं है, जेलस हो लग रहा है। जो इसमें है वो तुम्हें शायद बहुत पसंद है। टाटा। टीचर, वो दोबारा खा रही है। ठीक है, बहुत हुआ, तुम यहाँ से बाहर निकलो। तुम बेवकूफ। अब ये कैसा लगा? हाँ, अब तो तुम्हें जाना ही होगा। ठीक है, क्लास टेस्ट शुरू होता है। ठीक है, मैं कर सकती हूँ। टीचर का ध्यान अभी से भटका हुआ है। मेरे सीक्रेट वेपन का टाइम है। लेजर को घुमाओ और ये रही आंसर्स। एवा, मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, इसे मुझे दो। तुम्हें तो चीटिंग करनी भी नहीं आती। और बाकी भी इधर लाओ। ठीक है, ये रहे पेंसिल बैग, टेक्स्ट बुक, टेप, पेन। ये मत सोचो मुझे तुम्हारा फोन नहीं दिख रहा, वो भी मुझे दो। पर देखो बैटरी ही नहीं है। तो भाई ठीक है। ओ फोन, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? एक मिनट रुको, शायद मेरे पास एक प्लान है। ओ हाँ, ये बढ़िया होने वाला है। मुझे मेरा फोन चाहिए और मेरे फोन के पिक्चर। मैं कैमरा सेक्शन को हटाऊंगी और अपनी चीट शीट लगाऊंगी। इसके लिए हमें छोटी सी चीट शीट चाहिए, पर हम इसे आधे में फोल्ड भी कर सकते हैं। बस शीट के पीछे थोड़ी सी ग्लू और अब इसके ऊपर लेंस की पिक्चर लग जाएगी। बस ध्यान रहे ये अपनी जगह पर लगे। परफेक्ट, मेरी चीट शीट छिपी हुई है। मैं टेस्ट के लिए तैयार हूँ और ये बिल्कुल छिपी हुई है, हमारा सीक्रेट रहेगा। इंतजार करो जब टीचर ना देख रही हो। और ये रही मेरी चीट शीट। ये टेस्ट शानदार होगा। पहला क्वेश्चन हो गया। ओ, ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, और हो भी गया। अब इसे बंद कर देते हैं। मैंने कर लिया, मैंने टेस्ट पूरा कर लिया। चलो देखते हैं तुम कितनी बुरी तरह फेल हुए। हाँ, ये वाला तो ठीक है, दूसरा वाला भी, और ये तो सारे ही ठीक है। ए प्लस, तुमने चीटिंग तो नहीं की ना? ओ नहीं, मेरे फोन में बैटरी नहीं है, याद है? तुम्हारी टेस्ट का समय है। ओ, मैं तो फेल होने वाली हूँ, मैं क्या करूंगी? काश मैंने अच्छे से पढ़ा होता। क्या? पर टेस्ट? हे भगवान, समय बीतता जा रहा है और ये इतनी जल्दी क्यों बीत रहा है? ये हो क्या रहा है? रुको, ये जासूस कौन है? हेलो, मेरा नाम स्पाई है। अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इस टेस्ट को देखो, मैं क्या करूं? हाँ, मुझे परेशानी समझ आ रही है और मेरे पास इसका हल है। किसी की नजरों में बताने देना, ये टॉप सीक्रेट है। क्या? ये है भी क्या? हम बालक, ये इस्तेमाल करो। ठीक है। हे भगवान, ये तो लाजवाब है, मैं सब देख सकती हूँ।
ये तो जादू की तरह है। नहीं, ये बस साइंस है। तुमने मुझे बचा लिया, पर तुम ये कैसे करते हो? ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। पहले तुम्हें ग्लासेस चाहिए और लाल मार्कर। तुम्हें लेंसेस को लाल रंगना होगा, बिल्कुल अच्छे से लाल रंग देना। अच्छे लग रहे हैं ना? अब तुम इसे टेस्ट करने के लिए तैयार हो? हाँ, ये काम किया। लाल लेंसेस की मदद से तुम ये आसानी से देख सकती हो कि इन लाल स्क्रिबल्स के नीचे क्या है। ये स्पाई क्राफ्ट 101 है। तुम जहाँ ऐसे लिखोगी ये वहाँ काम आएगा। जैसे कि अगर तुम कहना चाहो कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, या फिर अगर पहले से सब्सक्राइब्ड है तो वीडियो को लाइक करना चाहेंगे। अगर आपको ये वीडियो मजेदार लग रही हो तो जो भी हो, आपके स्पाई ग्लासेस तैयार है और ये स्टाइलिश भी है। ठीक है, मैं ये टेस्ट के लिए तैयार हूँ। चलो एग्जाम को पास करें। बस मुझे अपनी सीक्रेट चीट शीट देखनी है। ये काम कर रहा है, मैं सारे आंसर्स देख पा रही हूँ। और हो गया, आज फेल नहीं होंगी। हे, वो रहा मेरा स्पाई फ्रेंड, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, वो किसे देख रही है? ठीक है, गुड जॉब। शायद एक पार्टी, पर मैं क्या पहनूं? ये अच्छा लगेगा। हाँ, ये लुक अच्छी नहीं है। वो मैं कितनी बुरी लग रही हूँ, मुझे इसका कुछ करना होगा। चलो भी। हेलो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं? तो हम शुरू करें। जरा ये पहनो, ये डिजाइनर नहीं है, पर कोई बात नहीं, तुम्हें बस थोड़ा सा चुभेगा। बस हो ही गया और पूरा हुआ। वाह, मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। ये लो, तुम इसके हकदार हो। बिल्कुल, शुक्रिया। जितना सोचा था ये तो उससे भी तेज चलता है। मुझे जाना होगा। इसे क्या हो गया? मेरे बाल, मैं गंजी हो गई। मैं इस पार्टी में जाने का इंतजार नहीं कर सकती। मैं ऐसे नहीं जा सकती। यहाँ तो जंगल उगा पड़ा है, मुझे शेव करना चाहिए। यहाँ कुछ तो होगा जो मैं इस्तेमाल कर पाऊँ। मेरा ट्रस्टी रेजर। ये तो बहुत पुराना हो गया है। यहाँ पर और क्या है? ओ, एक नया रेजर ब्लेड। इसे हैंडल भी चाहिए होगा। ये काम आ सकता है। लगता है ये काम करेगा। मैं इस फोक को ब्लेड में लगा देती हूँ। अब जल्दी से मेरी लेग्स मूव हो जाएंगे। ये देखो, ध्यान से। ओ, बच गए। ये काम पूरी हो गई। आखिरकार खत्म हुआ। जैसा सोचा था ये वैसा नहीं रहा। इतनी सारी बैंडेड्स, लगता है आज मैं घर ही रहूंगी, हर बार की तरह। चीट शीट देख लेता हूँ। हाँ, इसमें आंसर मिल जाएंगे। केविन, तुम कुछ छिपा रहे हो? एक चीट शीट, मुझे पता था। मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। नहीं, मैं ये नहीं चाहता। हाय डैड, अभी भी पढ़ रहे हो? अच्छा है। ओह, मैं यही बुक तो ढूंढ रहा था। ओह, फैन, मुझे बहुत अच्छा आइडिया आया। हम चीट शीट ही बनाएंगे। जी हाँ, मैंने इसे अकॉर्डियन की तरह फोल्ड किया। अब मुझे पेंसिल और थोड़ी ग्लू चाहिए। बस इधर थोड़ी सी ग्लू, इतनी काफी होगी। और अब चीट शीट। हाँ, एक तरफ एक पेंसिल और दूसरी तरफ दूसरी पेंसिल लगाएंगे। देखो, मैंने चीट शीट पैन बनाया। मुझे जल्दी आंसर्स लिखने होंगे। ओह, वो आ गई। इस पैन को बंद कर ये छिप जाएगा। ओह हाय मैम, देखते हैं तुम चीट शीट्स तो नहीं छिपा रहे केविन। ठीक है, खैर करते रहो। काम बन गया। मैं टेस्ट खत्म कर लेता हूँ।